अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इसका जो इंट्रोडक्शन था 2.4 एक्सरसाइज का, वो हमने कर लिया, जिसमें हमने एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और ये जो इक्वेशन थी इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम इसे डिटेल से इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे हमने करने हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑपरेटर जो है और का कहाँ लगाना है और एंड का कहाँ लगाना है। तो इसलिए जो पेज है बुक का 54 वो ओपन कर लें, और क्वेश्चन जो है वो 1 है, उस पर आप देखें बुक पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, हमने इसमें कन्वर्स बताना है और इनवर्स बताना है और कंट्रा पॉजिटिव जो है वो बताना है। पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी है, और लेकिन ये पेपर में नहीं आता बोर्ड के, लेकिन MCQs में पूछ लेता है। तो इसलिए ये मैं आपको MCQs के बिना पर आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि हमने इसका टेबल्स बनाने हैं जो हम इन्होंने इक्वेशंस दी हैं। तो मैं आज आपको इस लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे, और जो थर्ड और फोर्थ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग है, वो हम उसे अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसलिए हम टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। तो मैंने इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने रजिस्टर पर लिख दिए हैं, तो अब शुरू करते हैं। चलें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने इसके अंदर बताना है कि इनवर्स कौन सा है, कन्वर्स कौन सा है और कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव कौन सा है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन ये आपको नज़र आ रही है अलीमदा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नॉट ही होती है, और इसमें हमने नॉट भी ठीक है बराबर है क्यू के। ठीक है, ये जो तीर का निशान है ये भी क्यू को डिनोट कर रहा होता है कि ये इसके बराबर है। तो अब इसमें हमने बताना है, पहले क्या बताना है कि कन्वर्स कौन सा है। तो इसमें कन्वर्स अगर देखें तो हमारे पास इसमें एक कन्वर्स कौन सा होगा, वो होगा क्यू बराबर है नॉट पी के। ठीक है, हमने पहले इसमें कन्वर्स बताना है, क्यों, क्योंकि इस जो इसका उल्ट है वो हमने लेकर क्यू को पहले ले आएंगे और इसको लास्ट पे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्स निकल गया। ठीक है, अब हम इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या होगा हमारे पास, हम इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी को ले आएंगे। ठीक है, तो पी को हम इसके किसके बराबर कर लेंगे कि टी से डिनोट करेंगे और नॉट क्यू को। तो ये हमारे पास इनवर्स हो गया। कैसे, हमारे से क्वेश्चन जो उसने पूछा नॉट पी का, तो हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया पी और नॉट क्यू में। ठीक है, हमने इसको इनवर्स कर दिया, हमने इसको उल्टा दिया, उल्ट कर दिया। तो अगर हम इसका करें कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें अगर, तो हमारे पास क्या निकलेगा, नॉट क्यू, ठीक है, राइट साइड की जो है एरो और पी। ठीक है, क्यों, हमने इसको क्या करना है, इसका जो उल्ट था वही हम लेंगे, पहले हम नॉट पी को नॉट क्यू को लेंगे, तो जो एरो है वो यहीं पे रहेगा और पी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई मैं आपको क्लियर समझाता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, और मैं आपको क्लियर आपको यहीं से हो जाएगा अगर आप गौर से देख रहे हैं। तो जो कन्वर्स उसने पूछा था उसमें क्या था कि हमने पहले क्या करना है, इसको उल्टा ले आना है, क्यू को हम पहले ले आए। ठीक है, क्यू को पहले ले आए, फिर उसके बाद एरो एज इट इज आ गया राइट साइड की, तो नॉट पी एज इट इज आ गया। ठीक है, अब उसमें इनवर्स पूछा, अब इनवर्स उसका उल्ट हो जाता है। अब यहां पे उसने जो सवाल में पूछा था नॉट पी था पूछा, अब हमने उसका अगर इनवर्स किया तो हमारे पास नॉट क्यू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पी ठीक है राइट साइड का एरो ठीक है नॉट क्यू के बराबर रख दिया, तो हमारे पास ये इनवर्स हो गया। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है उसमें हमने क्या करना है कि पहले जो नॉट क्यू है उसको हमने पहले लिख लिया, फिर हमने जो राइट एरो है उसको लगा लिया और पी को एज इट इज रख दिया। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई। तो अब जो सेकंड वाला है उसके अंदर हम अगर देखें तो कन्वर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास क्यू पी के। ठीक है,
क्यों पी के, क्यों लिख दिया मैंने क्यों, हमारे पास कन्वर्ट जो है वो क्यू और पी आएगा क्योंकि हमारे पास इसमें नॉट है ही नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास नॉट होता तो फिर हमारे पास पहले क्या आना था, हमारे पास पहले क्यू आना था, पहले पी आना था, तो फिर हमारे पास राइट साइड की एरो आनी थी, फिर क्यू नॉट क्यू आना था। तो लेकिन हमारे पास नॉट का जो है ऑपरेटर ही नहीं है, तो अब हमारे पास इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स हमारे पास हो जाएगा नॉट क्यू, ठीक है, राइट साइड की एरो और नॉट पी, क्यों, ये हमने अब इनवर्स कर किया, हमने इसको उल्ट किया है, तो अगर हम इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास नॉट का ऑपरेटर जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देख ले कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखें तो हमारे पास नॉट पहले आएगा, नॉट पी, तो राइट साइड की एरो और नॉट क्यू एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यही उल्टा हो गया इसका। तो अब जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसके अंदर भी ऐसी ही है, कन्वर्ट्स क्या होगा हमारे पास नॉट क्यू आ जाएगा क्योंकि उल्टा है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और राइट साइड की एरो एज इट इज आ जाएगी और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट पी आ जाएगा। ठीक है, पहले ये आया फिर उसके बाद ये एज इट इज रहा और नॉट पी यहाँ पे आ गया, मैं जैसे पहले भी आपको बताया था। तो आगे क्या होगा हमारे पास, इनवर्स में क्या आएगा, इनवर्स हमारे पास किस बराबर, किसके बराबर आएगा, पी राइट साइड की एरो और क्यू के। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आएगा, कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास आएगा क्यू राइट साइड की एरो और पी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो गया। तो अब जो हमारे, मैं जो क्वेश्चन आपको जो करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर टू, तो आप अपने बुक पे देखिए कि उसमें वो क्या कह रहे हैं, हमने इसका ट्रुथ जो टेबल है वो बनाना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पी राइट साइड एरो नॉट पी, तो इसके अंदर किसका ऑपरेटर यूज किया गया है, इसमें हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है, और का। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पे अगर आप पीछे जाएं बुक के पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 48 पे अगर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है जिसमें बताया गया है कि नॉट का ऑपरेटर कौन सा है, एंड का ऑपरेटर कौन सा है और का ऑपरेटर कौन सा है। यहाँ पे जो ये ऑपरेटर दिया गया है ये नीचे से वी वाला है, ये वी वाला ऑपरेटर है, इसका मतलब है ये और का ऑपरेटर है। तो अगर ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा भी होता, ये सीधा भी है, अगर उल्टा भी होता तो फिर ये एंड का ऑपरेटर होता। तो ये आपने ज़रूर ये याद रखना है। तो कैसे करना है, तो मैंने वो पहले भी बताया था कि जो इसमें अगर हमने इक्वेशंस तो दी हुई हैं इसमें हमने इसके मुताबिक करने है कि जो पी होगा उसका पहले फर्स्ट जो होते हैं टू वो ट्रू ट्रू होते हैं और सेकेंड जो होते हैं वो फॉल्स फॉल्स होते हैं। तो इसलिए ये आपने बिल्कुल क्लियर ही देखना है और इसको करना है। जो Q क्या होगा, Q के जो फर्स्ट होंगे वो हमारे पास क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये एज इट इज हमेशा ऐसे ही रहेगा, बेशक कितनी भी बड़ी इक्वेशन आ जाए उसमें हमारे पास हमेशा ट्रू फर्स्ट जो P होगा वो डबल ट्रू ट्रू होगा फर्स्ट ट्रू, और सेकंड जो ट्रू होंगे वो फॉल्स फॉल्स होंगे, और जो ये Q होगा वो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स और थर्ड ट्रू और फोर्थ फॉल्स ही होगा और रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने अब आगे उसने पूछा क्या है कि पी राइट साइड का एरो नॉट क्यू के नॉट पी के बराबर है, तो हमने इसके आगे क्या रखना है, नॉट पी निकालना है। अगर हमारे पास अब टू डबल ट्रू हैं तो हमने क्या, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रू किसके बराबर आएगा, ट्रू के आएगा। ठीक है, क्यों, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू ट्रू। देखें, दो इक्वेशंस अगर ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स है, अगर हमारे पास ट्रू फॉल्स फिर भी फॉल्स है, और अगर ये इक्वेशन जो है फॉल्स में आ गई तो फिर इसका मतलब हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब ये फॉल्स फॉल्स है तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो जो इक्वेशन है वो फॉल्स की हैं। अगर यहाँ पे ट्रू की होती तो फिर ये हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स ही होता। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट निकलेगा, नेक्स्ट कौन सी हमारे पास निकलेगी इक्वेशन, वो निकलेगी पी राइट साइड का एरो, ठीक है, और नॉट पी के बराबर।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल गई। तो अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, इसमें हमने क्या निकालना है कि नॉट पी को निकालना है, तो हमने ये इक्वेशन निकाली है, हमने इसमें क्या देखना है, ट्रू ट्रू किसके बराबर आएगा फॉल्स के, और फॉल्स ट्रू किसके बराबर आएगा फॉल्स के, ठीक है, और ट्रू फॉल्स किसके बराबर आए थे फॉल्स के, तो ये भी हमारे पास आगे इक्वेशन जो है वो फॉल्स ही रही है। तो अब यहां पे क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, ट्रू ट्रू किसके बराबर आ गया ट्रू के, ठीक है, और जो सेकंड है ट्रू ट्रू और फॉल्स किसके बराबर आएगा ट्रू के आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें ट्रू की जो है ये इक्वेशंस है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक भी अगर यहाँ पे ऊपर भी अगर ट्रू होता तो हमारे पास ये ट्रू ही आना था, लेकिन ये फॉल्स है, यहाँ से आपने देख लेना ये फॉल्स है, फॉल्स है तो ये हमारे पास एज इट इज फॉल्स फॉल्स आएगा नॉट में, ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ये हमारे पास ट्रू ही आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा पी राइट साइड है एरो और क्यू के बराबर, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशंस है, ट्रू फॉल्स फॉल्स किसके बराबर आया ट्रू के आया, और जो सेकंड है फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स ही रहेगा, क्यों, ये देखें, अगर ये देखें ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, तो अब ये सेकंड जो है वो क्या है फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास जो तीन इक्वेशन है ये ट्रू की हैं, तो हमारे पास जो नॉट पी है वो भी ट्रू है और जो हमारे पास इसका आंसर है वो भी ट्रू है, तो हमारे पास ये एज इट इज ट्रू ही रहेगा। तो वो जो लास्ट है इसका वो हमारे पास क्या है ट्रू ट्रू किसके बराबर है ट्रू के, तो ये आप जरूर ये याद कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, तो अगर आप समझ लेंगे तो तभी बेहतर है, लेकिन बस आपको ये इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि नॉट ऑपरेटर में कौन से इक्वेशंस यूज हो रही हैं और एंड ऑपरेटर में क्या हो रही है, कि एंड में कोई अगर ए एक भी फॉल्स है तो हम फॉल्स ही आएगा, तो अदरवाइज अगर कोई दो अगर दो ट्रू हैं तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे ही फॉल्स आएंगे अगर एक भी फॉल्स है तो, और में ये होता है कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स आएगा, ठीक है, तो ये इसलिए आपने ये जो है इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो ऑपरेटर लग रहे हैं ये और के ऑपरेटर हैं, तो इसलिए इसको गौर से जरूर देखिएगा। तो इसलिए ये पी राइट साइड का एरो नॉट पी, ठीक है, और ऑपरेटर का इसमेशन, ठीक है, आगे क्या है पी राइट साइड एरो क्यू, तो अब हमारे पास अब इसका आंसर में निकलेगा जो फाइनल है, ट्रू ट्रू किसके निकला फॉल्स के, और फॉल्स फॉल्स किसके निकला ट्रू के, तो अब हमारे पास क्या होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स होना था फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स 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 और ट्रू ट्रू ट्रू, और ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू किसके बराबर है ट्रू के, तो ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन जो है इसकी ये निकल गई। तो अब अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें कह रहा है पी एंड नॉट पी, ठीक है, और राइट साइड का एरो है और क्यू है, कि मतलब कह रहेगा पी जो है पी एंड जो है बराबर नहीं है नॉट पी के, तो ये हमने फाइनल करना है, पी पहले निकालना है ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, तो क्यू क्या है ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, तो अब हमने क्या निकालना है इसमें, हमने पहले मालूम करना है उसको कि जो नॉट पी है वो हमने मालूम करना है, तो ट्रू ट्रू किसके बराबर आएगा फॉल्स के बराबर आएगा एंड का ये ऑपरेटर, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अगर दो ट्रू हैं तो तब भी फॉल्स आएगा, अगर डबल फॉल्स दो फॉल्स आ जाते हैं तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा फॉल्स के बराबर आएगा। तो मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ, ये लास्ट वाला एक ट्रू फॉल्स है, ठीक है, लास्ट वाला ये जो जो है ये फॉल्स का है इक्वेशन, तो इसलिए अब ट्रू फॉल्स किसके बराबर आएगा फॉल्स के बराबर आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, ठीक है, और ये फॉल्स फॉल्स तब भी ट्रू है, ठीक है, ये आपको बात जो है पता होनी चाहिए। तो अब अगला जो है ये हमने क्या निकालना है पी एंड नॉट पी का, ठीक है, जो इक्वेशन है, तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमने नॉट निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एंड का ऑपरेटर है, ट्रू फॉल्स 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 तभी हमारे पास फॉल्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये नॉट पी का है, तो हमने नॉट पी निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, हमने उल्ट करना है फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 और ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर भी क्योंकि किसी भी हालत में हो तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो फॉल्स ही आएगी, क्यों, क्योंकि हमने नॉट का निकालना है,
तो आगे जो हमने अब इसको निकालना है फाइनल जो है वो क्या है, पी एंड नॉट पी, ठीक है, राइट साइड का एरो और क्यू, ठीक है। तो अब हमने जो फाइनल निकाला तो ये फाल्स फाल्स किसके बराबर आ गया, ट्रू के आ गया, क्यों हमने ये एंड का ऑपरेटर लगा रहे हैं यहाँ। तो फाल्स फाल्स किसके बराबर आया, ट्रू के आया, तो ट्रू फाल्स किसके बराबर आया, ट्रू के आया, और ट्रू 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 फाल्स ट्रू किसके बराबर आया, ट्रू के आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे, जितनी आप तैयारी करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, उतने ही आपको जो है इसकी समझ में आएगी चीज सवालों की। और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किया करें ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।